फाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर वन सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। एसी रिपेयर करने आया और लिफ्ट में 5 साल की बच्ची का रेप कर दिया। 19 वर्षीय युवक को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 दिसंबर बुधवार के दिन शाम 7:30 बजे तलोजा से एक नवनिर्मित इमारत से चौंकाने वाली वारदात की खबर सामने आई है। एक 19 वर्षीय युवक एसी रिपेयर करने तलोजा की इस इमारत में आया था। उसी दौरान घर के बाहर खेलती एक 5 साल की बच्ची को उसने देख लिया, फिर उसको बैला फुसला कर बुला करके लिफ्ट में ले जा करके उसने इस बच्ची के साथ अपना मुंह काला किया। कुकर्म करने के बाद ये युवक बच्ची को इमारत की 11वीं मंजिल पर छोड़कर रफू चक्कर हो गया। बच्ची फिर से अपने घर पहुंची 3री मंजिल पर, जहां उसको पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी। बच्ची को उल्टियां करते हुए और रोता हुआ देख माँ ने उसे पूछा, तो माँ को उसने पूरा किस्सा बताया कि किस तरह की वारदात उसके साथ हुई है। वैसे ही माँ नीचे दौड़ी और वॉचमैन से पूछताछ करने लगी, तो वॉचमैन ने कहा कि उसने अभी तक किसी व्यक्ति को बिल्डिंग में जाते नहीं देखा है। ये खबर बिल्डिंग में जैसी अन्य लोगों को पता चली तो अन्य लोग भी नीचे उतर पड़े। उसी दौरान इस जघन्य अपराध को, इस कुकर्म को अंजाम देने वाला ये 19 वर्षीय युवक वहां से भागने के फिराक में था, तो पीड़िता बच्ची की ही नजर उस पर पड़ी और उसने इस युवक को पहचान कर चिल्लाना शुरू कर दिया और माँ को अन्य लोगों को बताया। उसके बाद उसको पकड़ा गया, पकड़ करके तलोजा पुलिस स्टेशन में उसको पहुंचा दिया गया, जहां पर पुलिस ने उसके खिलाफ रेप तथा पोस्को की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे पुलिस रिमांड में ले रखा है। इस पकड़े गए 19 वर्षीय आरोपी युवक का नाम मोहम्मद अख्तर मतहर हुसैन बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने क्या जानकारी दी है देखिए। तलोजा फेज 1 है, तलोजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहाँ कविश साई बिल्डिंग करके है। वहाँ दिनांक 6/12 को 7:30-8 बजे के दरमियान ये बच्ची अपने पार्किंग एरिया में खेल रही थी, तो आरोपी ये कविशा साई बिल्डिंग में एसी रिपेयर करने के लिए आया था। उसके बच्ची के रहने वाले बगल के फ्लैट में आया था वो, तो उसने नीचे दुरुस्ती का काम करते हुए वापस जाते हुए नीचे बच्ची को पार्किंग में खेलते देखा। उसने लड़की को पास में बुलाया और उसने वो लड़की को लिफ्ट में लेके ऊपर गया और लिफ्ट में ही उसने लड़की से लैंगिक अत्याचार किए, उससे सेक्सुअल असल्ट का किया उसने। फिर वो लड़की डर के मारे फिर वहाँ से भागी और घर में जाके वोमिट कर रही थी, तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो लड़की की उम्र 5 साल 3 महीना है, उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है लिफ्ट में। तो माँ तुरंत अपने हस्बैंड के साथ में नीचे आई और उसने देखा कि वो आदमी कहाँ है, तो वो पूछते पूछते वहाँ गर्दी जमा हुई और आरोपी वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने बताया कि वो अंकल ने ऐसा ऐसा मेरे साथ, पूछते पूछते वहाँ गर्दी जमा हुई और आरोपी वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने बताया कि वो अंकल ने ऐसा ऐसा मेरे साथ में घिनौना काम किया है, इसकी वजह से उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा, पुलिस स्टेशन में लाया, हमारे तुरंत यहाँ गुना दाखिल किया गया। 376 IPC की धारा है और पोस्को 4 और 8 के अंतर्गत उसके ऊपर हमने कार्रवाई कर रहे किया, गुना दाखिल किया है। आगे की तफ्तीश हमारे सहायक पुलिस निरीक्षक गोरे कर रहे हैं और आगे आरोपी ने यहाँ कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं की है, गुने दाखिल है, इसकी हम जानकारी ले रहे हैं, आगे की तफ्तीश चालू है। आरोपी ये फिलहाल तलोजा में एसी का काम करता है और वो मूल रूप का आजाद नगर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।